प्रतापगढ़ जिला, यह जिला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक प्रतापगढ़ जिला के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिम से दक्षिण भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ मिलती है। प्रतापगढ़ जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस प्रतापगढ़ शहर में मौजूद है और प्रतापगढ़ जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ जिला में 5 तहसील, 17 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 22 पुलिस स्टेशन और 2265 गांव में बटा हुआ है। प्रतापगढ़ जिला के पड़ोसी जिले का नाम रायबरेली जिला, फतेहपुर जिला, सुल्तानपुर जिला, कौशाम्बी जिला, इलाहाबाद जिला, अमेठी जिला और जौनपुर जिला है। क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतापगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रतापगढ़ जिला की कुल आबादी 32,09,140 है। इस 32,09,000 में पुरुषों की कुल आबादी 16,06,885 और महिला की कुल आबादी 16,03,562 है। प्रतापगढ़ जिला में हिंदू धर्म की आबादी 85% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 14% है। प्रतापगढ़ जिला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 150 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 694 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 56, नेशनल हाईवे संख्या 96, नेशनल हाईवे संख्या 231 और 236 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन है। इस रेलवे जंक्शन में 3 प्लेटफॉर्म तथा 5 पटरी शामिल है और यह रेलवे स्टेशन वाराणसी रायबरेली लाइन, फैजाबाद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ प्रयागराज लाइन पर स्थित है और प्रतापगढ़ जंक्शन का स्टेशन कोड PBH है और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थन रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान है जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। प्रतापगढ़ जिला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम है शनिदेव मंदिर, बाला देवी मंदिर, भक्ति धाम, प्रतापगढ़ कुंड, लालगंज अजहरा आदि नामों से लोग काफी वाकिफ हैं। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे प्रतापगढ़ जिले का साक्षरता दर 73% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 73% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। प्रतापगढ़ जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम है सरोजनी इंटर कॉलेज, अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज, प्रताप बहादुर PG कॉलेज, MBPhD कॉलेज, ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो प्रतापगढ़ जिला में कई ऐसे प्राथमिक अस्पताल हैं, इसके अलावा कई ऐसे यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल भी मौजूद हैं जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। प्रतापगढ़ जिला के कुछ महत्वपूर्ण अस्पतालों में शुमार डिस्ट्रिक्ट मेट हॉस्पिटल, भानु हॉस्पिटल, शक्ति विनायक हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, रजत हार्ट हॉस्पिटल आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं।
दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।